नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के वीडियो में हम धातु और अधातु को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो धातु और अधातु से संबंधित है और मैं ये चाहता हूं कि धातु और अधातु को आपको परिभाषा ना देकर, उसको परिभाषित ना कर मैं ये कोशिश करूंगा कि धातु और अधातु के अंतर को समझने के बाद हम उसको परिभाषित करने की क्या करेंगे तो कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि संबंधित किससे, धातु और अधातु, मतलब मेटल और नॉन मेटल से। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था, पिछले वीडियो मेरा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन था, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि हमारा जो आवर्त सारणी है, हमारे आवर्त सारणी में हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है और जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट को हमने दो वर्गों में बांटा, एक मेटल और एक मेटल और एक नॉन मेटल, हालांकि कुछ मेटलॉइड्स भी थे। तो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। आपको यह समझना होगा कि हमारे संपूर्ण आवर्त सारणी में नहीं भी तो 91 ऐसे तत्व हैं जो क्या है, धातु है, और 22 ऐसे तत्व हैं जो क्या है, अधातु है। तो जो धातुओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो 91 है, और अधातुओं की जो संख्या वो कितनी है, तो 22 है। जितने भी जो 22 अधातु हैं, उन 22 अधातु में 21 अधातु जो है वो हमें पी ब्लॉक में प्राप्त होते हैं, और जो एक अधातु बच जाता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलता है, तो एस ब्लॉक में। और वही अगर मैं बात करूँ किसकी, धातु की, तो संपूर्ण आवर्त सारणी में मैंने बताया कि 91 क्या है, तो धातु है। मैं समझ जाओ कि मोस्ट डोमिनेंट अगर कोई एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में तो वो क्या है, तो मेटल है, क्या है आपका, धातु है। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो धातु है, अगर आप देखोगे कि धातुओं के जो एटम है, उसके जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के बाहर कोष में या तो एक या तो दो या तो तीन आपको क्या मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और वही जो अधातु है, अधातुओं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या अधातुओं के परमाणुओं के जो बाहर कोष है, जो वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें आपको 4, 5, 6 या 7 क्या मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा अंतर ये हो गया कि धातु, धातु में या धातु की आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहीं नॉन मेटल के, अधातु के वैलेंस सेल में 4, 5, 6 या 7 क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको ये भी पता था, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि धातु एक ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, मतलब इनके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा, इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दान भी देते हैं, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ये दानवीर होते हैं। और आपको पता है कि जो दान देता है वो हमेशा क्या होता है, धनवान होता है, धनवान होता है। इसीलिए तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को दान देकर ये पॉजिटिव चार्ज के हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन्स होते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो मेटल आर कैटायन्स। वे जो अधातु होते हैं, अधातुओं की प्रवृत्ति ये होती है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण में लेते हैं। और आपको अच्छे से मालूम है जो ऋणी होता है वो गरीब होता है, जो ऋणी होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। तो मेटल आर कैटायंस और नॉन मेटल आर एनायंस। आगे देखते हैं, अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आप कोई ऐसा तत्व देख रहे हैं जो तत्व का जो पृष्ठीय भाग अगर चमकदार है तो समझ जाना वो क्या है, धातु है। मेटल हैव सरफेस लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, मैं जिसको आप पॉलिश कर सकते हो, और जब उसको पॉलिश करोगे तो वो क्या करेगा, शाइन करेगा। तो मेटल हमेशा शाइनिंग होता है। उदाहरण आप देख लो, गोल्ड, गोल्ड शाइनिंग, मतलब गोल्ड हमेशा शाइन करता है, सिल्वर शाइन करता है, एल्यूमिनियम शाइन करता है, कॉपर शाइन करता है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है, उसका गुणधर्म है कि मेटल हमेशा क्या करेगा, शाइन करेगा। वही जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का जो सरफेस है वो लस्टरस नहीं होता, नॉन मेटल कभी भी शाइन नहीं करेगा। अधातु का जो, अधातु में पृष्ठीय चमक नहीं होती, मतलब अगर मैं कहीं भी खड़ा हूं और मेरे सामने अगर कोई दो तत्व है
अगर एक तत्व शाइन कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये मेटल है। अगर वही जो कोई दूसरा तत्व अगर शाइन नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे, वो अधातु है, नॉन मेटल है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मुख्यतः धातु शाइन करते हैं, लेकिन अगर कोई धातु शाइन नहीं कर रहा है, अगर उसमें उसमें पृष्ठीय चमक नहीं है, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ गया है। ऑक्साइड के लेयर आने के कारण उसका पृष्ठीय चमक क्या होता है, खो जाता है, कौन, तो धातु। लेकिन इन दोनों में एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन मतलब अपवाद है, मतलब ऐसा धातु जिसका पृष्ठीय चमक नहीं है, मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस डल है, तो वो क्या है, तो लेड है। सो लेड इज एन एग्जम्पशन। यहां पर एग्जम्पशन क्या है, लेड है। लेड का जो फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो डल है, उसमें सरफेस लस्टर पृष्ठीय चमक नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में तो अधिकांश, मैंने आपको बताया कि सभी जितने भी आपको नॉन मेटल दिखते हैं वो सभी क्या है, तो सभी सभी पृष्ठीय चमक, सभी में पृष्ठीय चमक नहीं होता। लेकिन कार्बन के ऐसे दो एलोट्रॉप है, इसका एक का नाम अपरूपता, इसको हम हिंदी बोलते हैं, एक क्या आपका ग्रेफाइट और दूसरा क्या डायमंड। ग्रेफाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे उदाहरण अब देख लो आप पेंसिल, जो कभी हम पेंसिल से किसी कागज में लिखते हैं और उस कागज में अगर रोशनी पड़ती है तो जो लिखा हुआ जो चीज है वो चमकता है, मतलब कहीं ना कहीं जो पेंसिल है या जो ग्रेफाइट है वो थोड़ा बहुत क्या करता है, शाइन करता है। और अगर आपको ये मालूम ही है कि सबसे ज्यादा शाइनिंग अगर कोई मटेरियल है इस विश्व में वो क्या है, डायमंड है, क्योंकि डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, तो चमकदार होता है। तो डायमंड और यहां पर जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल के लिए क्या है, अपवाद है। तो यहां पर अपवाद क्या था, लेड था, और यहां पर अपवाद क्या है, डायमंड और क्या, तो ग्रेफाइट क्रिस्टल्स। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ किसका, मेटल और नॉन मेटल का। दूसरा हम देखते हैं, और अब दूसरा देखोगे तो मेरे को अच्छे से पता है, या आपको ये मालूम है कि जितने भी जो मेटल है, सभी धातु सभी मेटल मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल, मेलिएबल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धियता। आघात वर्धियता मतलब आघात वर्धन, आघात मतलब होता है प्रहार और वर्धन मतलब होता है प्रसार। मतलब कभी भी हम किसी तत्व को अगर प्रहार करेंगे, अगर उसको हैमर करेंगे, हथौड़ा सा अगर उसको मारेंगे, अगर वो तत्व का प्रसार हो रहा है, मतलब वो फैल रहा है, वो टूट नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो समझ जाओ वो क्या है, धातु है। तो धातु की एक गुणधर्म क्या है, आघात वर्धियता है। मतलब हथौड़े से मारने के बाद धातु टूटता नहीं, बल्कि धातु और चपटा हो जाता है और वो फैल जाता है, वो एक सीट में, एक फॉइल में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि जो सिल्वर है, सिल्वर को आप ठोक ठोक कर उसका एक क्या बनाते हो, फॉइल बनाते हो। उस फॉइल, आप सिल्वर फॉइल का यूज भी करते हो, आप मिठाई में आप देखते होगे, तो हम सिल्वर फॉइल का हमेशा यूज करते हैं। वही अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है, सबसे ज्यादा आघात वर्धियता वाला जो धातु कौन है, तो वो गोल्ड है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप क्या करोगे, हैमर करोगे, पाउंडर करोगे, उसको अगर मारोगे, तो क्या होगा, वो एक पूरे 1 स्क्वायर मीटर जितना वो क्या बन जाएगा, तो एक प्लेट बन जाएगा। तो मोस्ट मेलेबल अगर कोई मेटल है तो वो क्या है, गोल्ड है। तो सभी जो आपका धातु है वो क्या होता है, उसमें एक गुणधर्म होता है क्या, आघात वर्धियता का। लेकिन यहां पर भी एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लेड, मर्करी, सीजियम। तो मर्करी, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, लेड, सोडियम पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होते हैं, उसको आप एक नाइफ से भी काट सकते हो, तो अगर आप हैमर से इसको मारोगे तो अपने आप टूट जाएगा। सीजियम विश्व का सबसे सॉफ्टेस्ट क्या है, तो मेटल है, तो ऑब्वियसली उसको जब मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम जिंक, जिंक भी क्या है, तो टूट जाता है। तो जिंक मेलेबल नहीं है, तो जिंक मेलेबल नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम मर्करी और सीजियम और गैलियम भी, ये सब कुछ ऐसे धातु है जो कि अपवाद है, ये मेलेबल नहीं होते। लेकिन मोस्ट मेलेबल क्या है, तो गोल्ड है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, अधातु की, तो सभी अधातु नॉन मेलेबल होते हैं, वो आघात, उनमें आघात वर्धियता का गुणधर्म नहीं होता। मतलब अगर मैं किसी भी अधातु को अगर हथौड़ा से मैं क्या करूंगा, प्रहार करूंगा, तो वो टूट जाएगा, उसका कोई प्रसार नहीं होगा, उसका कोई फॉइल आप नहीं बना सकते। तो ऑल नॉन मेटल्स आर मेलेबल। तो ये दूसरा एक क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था।
अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर मैलेबिलिटी बोला तो अगला क्या आएगा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब विच कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, मतलब किसी को आप खींच कर, किसी भी तत्व को खींच कर जब आप एक वायर को रूप दे दो तो वो क्या है, डक्टिलिटी है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तो सभी धातु तन्नी होते हैं, ऑल मेटल आर डक्टाइल्स। लेकिन ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट डक्टाइल मेटल प्लैटिनम होता है, मोस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड है, और मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है तो प्लैटिनम है। प्लैटिनम सबसे तन्नी होता है। लेकिन यहां पर भी क्या है तो कुछ अपवाद हमको नजर आएंगे। अब वह अपवाद क्या है ये आप देख लो, ध्यान दीजिएगा। लेड डक्टाइल नहीं होता। लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो मेलेबल है लेकिन डक्टाइल नहीं है। लेड के अलावा ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, जिंक नहीं होगा। जिंक के अलावा और क्या नहीं होगा, सोडियम और पोटेशियम, मर्करी और सीजियम और गैलियम। तो ये सब कुछ धातु हैं जो डक्टाइल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है तो प्लेटिनम है, ये हमेशा आप याद रखिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा, इसके अलावा आप देखा जाए कि अधातु को, तो अधातु नॉन डक्टाइल होता है। मतलब अधातु को खींच कर आप उसका वायर नहीं बना सकते। जितने भी जो अधातु हो उसको आप खींचोगे तो वो टूट जाएगा, उसका वायर नहीं बनने वाला। और यहां पर अगर हम बात करें किसकी, अधातुओं में कुछ एग्जम्पशन की, तो हमें कोई एग्जम्पशन नजर नहीं आता। कुछ बहुत अगर आप बोलोगे तो कार्बन फाइबर्स में बोल सकते हो, कार्बन फाइबर्स मतलब वायर, तो कार्बन का वायर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था, अधातु। तो ये आपका क्या था, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी के बाद मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। हम देखते हैं कि कौन से स्टेट में क्या मिलता है। तो अगर देखोगे आप जो मेटल है, मेटल आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, मेटल हमेशा ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। अपवाद है, अपवाद भी यहां पर क्या है तो मरकरी है। मरकरी एक रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मरकरी के अलावा सीजियम और गैलियम भी है। मतलब 28 डिग्री और 29 डिग्री सेल्सियस में सीजियम और गैलियम जो है वो लिक्विड बन जाता है। मतलब अगर ये बॉडी के कांटेक्ट में भी अगर आए क्या सीजियम और गैलियम, तो जब कभी भी हम सीजियम और गैलियम को यूज करेंगे, जब वो बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और बॉडी टेम्परेचर में अगर आप आ जाएगा, अगर मतलब आप अपने हाथ में गैलियम और सीजियम रखे हो तो वो अपने आप क्या हो जाएगा तो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। नहीं तो वो सॉलिड होता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या बन जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ये तीन अपवाद है, क्या क्या, मरकरी, गैलियम और क्या सीजियम। बाकी जितने भी आपको क्या मिलते हैं, मेटल मिलते हैं, वो सभी क्या है तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं किसका, नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल जो है वो तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और क्या गैस भी है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ध्यान दीजिएगा जितने भी जो नॉन मेटल्स है, जिसकी संख्या मैंने बताया था कितनी, 22, 22 नॉन मेटल, 22 अधातु में जो ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन ही एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है। और 11 ऐसे अधातु है जो कि गैस फॉर्म में है, और 10 अधातु क्या है तो सॉलिड फॉर्म में। मतलब मैक्सिमम जो अधातु किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था हमारा चौथा प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म या स्टेट का। अब अगला हम देखते हैं, अगला बात करोगे तो क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक और क्वथनांक। तो अब ये ध्यान दो कि जो मेटल होते हैं, मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल की एक गुणधर्म है कि जितने भी जो मेटल है, मेटल में अधिकांश मेटल, मैक्सिमम मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेटल का क्या होगा, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे ज्यादा किसी मेटल का अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या है, टंगस्टन है। क्या बोलो, टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा टंगस्टन, जिसका सिंबल W होता है। टंगस्टन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि टंगस्टन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है, टंगस्टन में सर्वाधिक तनाव क्षमता होता है। मेटल मतलब इस, ये एक ऐसा धातु होता है जिसमें किसी प्रकार का भी प्रभाव आप, मतलब कोई भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता, ना एसिड ना बेस, वो क्या है तो टंगस्टन है। तो कभी ये पूछे कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कोई मेटल है तो वो क्या है तो टंगस्टन है। सबसे टेंजाइल स्ट्रेंथ वाला अगर कोई मेटल है वो क्या है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन का सबसे हाइएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सभी मेटल के कंपेयर में।
और सबसे लीस्ट अगर आप बोलोगे तो लीस्ट में क्या आएगा, सोडियम और पोटेशियम आएगा। तो सोडियम पोटेशियम मर्करी इसका लीस्ट क्या है, क्या है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जितने भी जो आपके धातु होते हैं उनका सबका क्या है तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। वही मैं बात करूं किसका, अधातु का, किसका, नॉन मेटल का। तो ध्यान दीजिएगा, सभी नॉन मेटल के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, निम्न क्वथनांक और क्या तो गलनांक होता है। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है तो इसको एक चीज आप समझिए, मैंने बोला धातु जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि सभी धातु जो है, जो मतलब कोई भी दो धातु जब आपस में उसके पार्टिकल्स मिलते हैं तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, तो वो आसानी से नहीं टूटता, वो आसानी से बॉयल नहीं होता। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इसकी नॉन मेटेलिक की, अधातु की, तो अधातुओं के बीच में वीक बॉन्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं वीक वॉन्डर वॉल फोर्स। तो वॉन्डर वॉल फोर्स के आगे मैंने क्या बोला, वीक बोला, तो ऐसे ही वो क्या है, कमजोर है। इसीलिए ये कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो कम होता है। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है तो बोरोन, बोरोन बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, बोरोन नाइट्राइड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन के जो अपरूपता में आप देख लो क्या डायमंड है, तो कार्बन, बोरोन, सिलिकन, तो ये कुछ क्या है तो अपवाद है। इसकी छोड़कर जितने भी जो आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं, अधातु मिलते हैं, वो सभी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो कम है। तो ये भी आपका एक पांचवा क्या था, प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी, छठवां प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, सभी मेटल हार्ड होते हैं। मेटल की एक बहुत बड़ा ये गुणधर्म है। अगर मैं सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल अगर कोई बोलूँ मैं तो ध्यान दीजिए वो क्रोमियम होगा, क्रोमियम, टंगस्टन, ये सब क्या है, सबसे हार्डेस्ट क्या है, मेटल है। सबसे कम हार्डेस्ट मतलब जो सबसे सॉफ्टेस्ट अगर कोई मेटल है तो वो क्या है तो सीजियम। हमेशा याद रखना, सीजियम सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है। अगर सबसे लाइटेस्ट मेटल बोला, हल्का मेटल बोला, तो वो क्या है तो लिथियम। लिथियम हल्का है, सीजियम सॉफ्ट है, और सबसे हार्ड क्या है तो क्रोमियम। तो क्रोमियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है, सीजियम सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है, और लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है। तो सभी मेटल क्या होते हैं, मैक्सिमम मेटल जो क्या होते हैं तो हार्ड होते हैं। एक हार्ड नहीं है तो वो क्या है तो सीजियम है। सीजियम क्या है तो सबसे सॉफ्ट है। सीजियम के अलावा आप सोडियम और पोटेशियम को भी यहां पर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को भी हम आसानी से एक चाकू से क्या कर सकते हैं तो काट सकते हैं। सीजियम को तो एक बटर नाइफ से भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अपवाद हुआ किसमें, मेटल में। लेकिन हम मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल की। तो सभी नॉन मेटल, जितने भी आपको जो नॉन मेटल दिख रहे हैं वो सभी नॉन मेटल क्या होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं। कोई भी नॉन मेटल आपको हार्ड नहीं दिखता। अपवाद स्वरूप अपवाद है यहां पर भी, और अपवाद में क्या, तो बोरोन है, और क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या, डायमंड। तो डायमंड जो है वो क्या, हार्ड होता है। आपको पता है अगर डायमंड की अगर बात करोगे तो डायमंड को सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल बोला गया है पूरे विश्व में। इससे ज्यादा हार्ड कोई भी मटेरियल है ही नहीं। डायमंड के बाद आता है बोरोन नाइट्राइड, और बोरोन नाइट्राइड के बाद आता है क्रोमियम। तो ध्यान दीजिए, नॉन मेटल में दो ऐसे नॉन मेटल है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्या क्या, डायमंड और बोरोन नाइट्राइड। तो ये दो ऐसे हैं जो क्या है तो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगला जो प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगला जो गुणधर्म को देखेंगे वो ये होगा, तो डेंसिटी, घनत्व अगर आप बात करोगे। तो चूंकि मैंने बताया कि अधिकांश जो मेटल है वो क्या है तो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में मिलने के कारण उनका घनत्व ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि सॉलिड का, सॉलिड में जो भी एलिमेंट का सॉलिड होता है तो उसके जो पार्टिकल्स वो क्या होते हैं तो कॉम्पैक्ट होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, इसलिए उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सभी मेटल का जो डेंसिटी है वो ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा। सबसे हाईएस्ट अगर डेंसिटी किसी एलिमेंट का है, किसी मेटल का है, तो क्या है तो ऑस्मियम है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट क्या है, डेंसिटी, और ऑस्मियम के बाद नाम आता है इरिडियम का। तो मोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी अगर कोई मेटल है तो क्या है तो ऑस्मियम है। अपवाद स्वरूप आप देखोगे तो कुछ ऐसे मेटल है जो डेंस्ड नहीं है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, मर्करी और गैलियम और सीजियम, ये डेंस्ड नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल या अधातु की आप बात करोगे तो सभी अधातु,
सभी अधातु का घनत्व क्या होता है? कम होता है, लेकिन अगेन अपवाद शुरू, आप क्या बोलोगे? अपवाद में यहाँ नाम किसका आ जाएगा? तो एक डायमंड का और ऑब्वियसली बोरोन नाइट्राइड का, ठीक है, वो अपवाद यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप कार्बन में ले सकते हो कि कार्बन का भी थोड़ा बहुत घनत्व रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। अब इस आठवीं प्रॉपर्टी को मैं देखता हूँ, आठवां प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ब्रिटलनेस होना चाहिए। मैंने हार्ट बोला, बताया आपको, हार्ट से एक नया क्या निकलेगा? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? अगर मैं ये इस इंग्लिश वर्ड ब्रिटल को बोलूँ तो ब्रिटल मतलब टूट जाना। जो अगर टूट जाए तो उसको हम, उस सब्सटेंस को या उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि ब्रिटल है। तो ध्यान दीजिएगा, मेटल आर नॉट ब्रिटल। मेटल सॉलिड है, सॉलिड चीज टूटता है, लेकिन मेटल आर नॉट ब्रिटल। अगर कोई तत्व टूट जा रहा है तो समझो वो मेटल नहीं है, वो मेटल नहीं है। अगर आप आयरन को आप तोड़ रहे हो ना, वो तो कि आयरन है टूट जाता है, तो आयरन, आयरन जो है उसमें कार्बन का लेयर है, तो स्टील बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेटल है, मेटल आर नॉट ब्रिटल। लेकिन अपवाद यहां पर भी है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम और जिंक ये ब्रिटल होते हैं। कभी कभी टंगस्टन भी आप ले सकते हो, टंगस्टन भी ब्रिटल हो जाता है, लेकिन मुख्य जो अपवाद है वहां पर क्या है? सोडियम पोटेशियम और जिंक है। सभी नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ब्रिटल होते हैं। मतलब नॉन मेटल या अधातु को, अधातु जो होता है वो टूट सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी हुआ किसका? मेटल और नॉन मेटल का। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मेटल होते हैं सभी मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब ये कंडक्टिविटी की अगर बात करोगे, चालकता की आप बात करोगे, तो ऊष्मा और विद्युत के ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, तो चालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं। कौन? धातु, मेटल। अपवाद भी है, लेकिन हमको एक चीज और देखना है। अगर मैं बात करूंगा कंडक्टिविटी की, तो सबसे हाइएस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा जो कंडक्टर है तो वो क्या है? तो सिल्वर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद क्या आएगा? तो कॉपर आएगा। कॉपर के बाद गोल्ड आता है, और गोल्ड के बाद क्या आता है? तो एल्यूमिनियम। मतलब अगर आपको एक कोई सीक्वेंस पूछे कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहले नाम क्या लोगे? सिल्वर का। सिल्वर के बाद आप किसका नाम लोगे? तो कॉपर का। कॉपर के बाद गोल्ड का, और गोल्ड के बाद आप किसका नाम लोगे? तो गोल्ड के बाद आप लोगे तो एल्यूमिनियम का, है ना। मर्क्यूरी, लेड, ये सब लीस्ट कंडक्टर्स होते हैं, और टंगस्टन तो बहुत ही कम कंडक्टर होता है, इसीलिए टंगस्टन का आप यूज देखना बल्ब में करते हो, ठीक है। तो टंगस्टन यहाँ पर लीस्ट क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। और वही मैं बात करूँ किसकी? नॉन मेटल की। तो जितने भी जो अधातु होते हैं, सभी अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद में आप बोलोगे तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। डायमंड तो बैड कंडक्टर, लेकिन वही बात करूं मैं किसकी? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो अपवाद में यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेफाइट आएगा। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा? आपको पता होगा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो कई बार हम इलेक्ट्रोलिसिस में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड बन रहे थे समझ जाओ वो अच्छा कंडक्टर है किसका? तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुआ किसका? मेटल और नॉन मेटल का। अगला देखते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन को यहाँ पर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी मेटल, सभी धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और उसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और ये जो धात्विक जो ऑक्साइड होता है, ये हमेशा क्षारीय होता है, ये हमेशा बेसिक होता है। मतलब मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि मान लो सोडियम है, तो सोडियम का बनाएगा Na2O। जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, ठीक है, या MgO। तो ये सब क्या? बेसिक ऑक्साइड। तो वही हम बात करें किसकी? अधातु की। अधातु हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अम्लीय क्या बनाता है? तो ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और अधातु क्या करेगा? तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर अपवाद भी है। मेटल की अगर मैं एग्जम्पशन की बात करूं, अपवाद की बात करूं, तो CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, या K2O7 पोटेशियम ऑक्साइड। तो K2O7 और CrO3 एसिडिक है, ये एक एग्जम्पशन। कुछ मेटल एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों उसका क्या हो, तो प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे भी कुछ है, जिसमें कि एक आएगा जिंक, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, टीन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3
जो बॉक्साइट जो आप बोलते हो वो भी क्या है, तो एम्फोटेरिक है। इसके अलावा बेरिलियम का, ठीक है। वहीं जो नॉन मेटल है अधातु है, अधातु में अपवासुरु आप देखते हो H2O और N2O है, तो ये क्या है, तो न्यूट्रल्स है। नहीं तो बाकी जितने भी जो अधातु है, जितने भी जो नॉन मेटल्स है, वो हमेशा ऐसा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो क्या होता है, तो एसिडिक होता है। और मेटल क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड, कुछ बहुत क्या है, तो एम्फोटेरिक भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यानी जो अगला जो गुणधर्म होगा, अगला गुणधर्म हम बोलेंगे एटमोसिटी। एटमोसिटी मतलब जैसे अब अधातु को देखते हो, अधातुओं में जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये जो Cl2 है, N2 है, O2 है, ये सब डाई एटोमिक है, दो है। जैसे ओजोन तो O3, तो वो ट्राई एटोमिक है। फॉस्फोरस P4, तो वो टेट्रा एटॉमिक है। तो मतलब ये समझ लो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का जो अपियरेंस है वो क्या है, तो पॉली एटॉमिक है। भी अगर आप बात करोगे इसकी मेटल की, तो मेटल आप ध्यान देना, मेटल जब वेपर स्टेट में रहता है तो Na+, Ca++, Mg++, मतलब ये सिंगल एटॉमिक रहता है, तो मेटल आर मोनो एटॉमिक। तो मेटल्स मोनो एटॉमिक है और नॉन मेटल्स पॉली एटॉमिक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, तो बहुत बड़ा एक अंतर है, डिफरेंस है किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। एक और मैं बताता हूं आपको, मेटल हमेशा सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब इसमें धात्विक साउंड होता है, आवाज होता है। मतलब जैसे आप देखना किसी मेटल को आप ठोकोगे, हैमर करोगे, तो उसे एक साउंड निकलता है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, अधातु की, तो अधातु में सोनोरस मतलब वो सोनोरस नहीं होता। उसको अगर आप हथौड़ा से मारोगे या किसी से मारोगे तो वहाँ साउंड नहीं निकलेगा। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में घंटी बजता है, बेल बजता है, तो वो मेटल है। जो हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम घंटा बजाते हैं, तो वो भी क्या है, मेटल है। तो मेटल में क्या होता है, साउंड भी होता है। अगला देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जिनके पास मैग्नेटिक पावर होता है, मतलब जो जिसमें पास चुंबकीय शक्ति होता है, जैसे कि निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है। तो तीन ऐसे मेटल है जिनके पास मेटेलिक पावर, क्या क्या, निकल, कोबाल्ट और आयरन। बाकी किसी भी अधातु के पास मेटेलिक पावर, मैग्नेटिक पावर नहीं होता। तो ये भी एक अंतर हो गया किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। से ये हमारा मेटल और नॉन मेटल क्या था, डिफरेंस था। लेकिन इस वीडियो को मैं रैप अप करने से पहले कुछ आपसे रिकॉल कराना चाहता हूँ, कुछ और मेन फैक्ट्स को बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि सबसे स्ट्रांगेस्ट मेटल क्या है, तो आपको बताना होगा क्या, तो टंगस्टन। अगर आपसे पूछे सबसे हैवीएस्ट मेटल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा यूरेनियम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लाइटेस्ट मेटल क्या है, तो आप बताना क्या, लिथियम। सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल क्या है, तो आप बताओ क्या, सीजियम। सबसे हार्डेस्ट मेटल क्या है, तो आप बताओ क्या, क्रोमियम। और वही आपसे पूछा जाए सबसे रेयरेस्ट मेटल, सबसे रेयरेस्ट मेटल क्या है, तो आप बताओ क्या, रोडियम। सबसे एक्सपेंसिव मेटल क्या है, तो अगेन क्या आएगा, रोडियम। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला मेटल कौन सा है, तो ऑस्मियम। सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी वाला मेटल कौन सा है, तो गोल्ड। और सबसे ज्यादा डक्टाइल वाला मेटल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, प्लेटिनम। और आपको यह भी चीज याद रखना कि अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूंगा, तो गोल्ड मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा आप तार खींच सकते हो, यह भी आपको याद रखना होगा। और सेम हम कर सकते हैं किससे, सिल्वर से भी, तो मेटल का हम वायर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से आप मुझे जुड़े रहिए। ये जो आज का जो सिलेबस था, ये आपकी CGPSC मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में अगर आप जाओगे तो मेंस का जो पेपर 4 है, GS2 है, उसका जो पार्ट 1 है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का है, और ये आपके मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बार बार सुनिए, इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, तो आपको ये याद रहेगा। और पेन और कॉपी से आप इसको क्या करो, तो राइट डाउन करो, और इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि अगला जो मेरा वीडियो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज का होगा। तो